आपसी भाईचारे और एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस जिला कमेटी साहिबगंज के द्वारा सभी प्रखंड क्षेत्रों में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को साहिबगंज शहर के बंगाली टोला स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष बरकतुल्ला खान उर्फ बरकत खान के नेतृत्व में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ईद मिलन समारोह में पार्टी के जिला और प्रदेश के नेता समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। वहीं मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि ईद का त्यौहार हमें एक दूसरे के बीच खुशियां बांटने और आपसी भाईचारे को कायम रखने का संदेश देता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा एक दूसरे के बीच नफरत फैलाने तथा भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को पार्टी कार्यालय में ईद मिलन समारोह के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों के बीच भाईचारे का संदेश देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि इस समारोह से निकलने के बाद एक संकल्प लेकर निकले कि हम अपने समाज में भाईचारे को बनाए रखेंगे। लोग साहेबगंज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ प्रदेश प्रखंड जिला सभी प्रकोष्ठों के युवाओं लोग मिल करके ईद मिलन का समारोह मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी में जाति पार्टी का कोई स्थान नहीं। यहाँ बहुत पुराना एक नारा कांग्रेस पार्टी का रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी परिप्रेक्ष्य में ईद मिलन के रूप में आज हम लोग यहाँ ईद मिलन का कार्यक्रम कर ये संदेश देना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि जो हमारी पुरानी भारतवर्ष की संस्कृति रही है, गंगा जमुना की तहजीब रही है, वो बरकरार रहे, आपस में सभी के बीच भाईचारा बरकरार रहे। ईद पर्व खुशहाली और एकता का प्रतीक है, इसको हम लोग बरकरार रखें। आए दिन कुछ बेड एलिमेंट्स के द्वारा हमारे इस भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये भी एक संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं कि आज हमारे इस ईद मिलन समारोह में सभी जाति धर्म के लोग हम लोग ईद मिलन मना रहे हैं और हम लोग जो यहाँ से जब निकले तो एक संदेश लेकर के आज निकलेंगे कि होली हो या ईद हो, ये एक भाईचारा का संदेश देता है, आपस में गले मिलाना सिखाता है, नफरत की भावना को दूर करता है और यही भावना हमारे भारतवर्ष में बना रहे और इसी भावना से हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा और विश्व में एक श्रेष्ठ भारतवर्ष कहलाएगा। मैं अपने सभी साथियों को, सभी जिले वासियों को ईद की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि हम लोग सभी मिल करके इस भारतवर्ष को एक सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष बनाएं।